वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको एक बार में यह वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज इसे दोबारा देखिए या जितने बार देखने की जरूरत पड़े उतने बार देखिए बिकॉज एक वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया तो हो सकता है समझने में थोड़ा मुश्किल चला जाए बट दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड वी हैव स्टार्टेड आर रिकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ दिस आर समी आर गोइंग टू लर्न टू डे वर दिज वॉट आर दिस

ठीक है मैं नीचे से स्टार्ट रख करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी क्लास एंगेजिंग करना चाहता हूँ हैमर बेरिशंगल फिंग बुलिश एंगल फिंग ये पैटर्न्स आप लोगों को पता है ऑलरेडी इसलिए मैं थोड़ा चैलेंजिंग रखना चाहता हूँ लेक्चर को अब ये जो है दिस इज कॉल्ड अ थ्री लाइन स्ट्राइक आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज अ थ्री लाइन स्ट्राइक थ्री लाइन स्ट्राइक जो पैटर्न है ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसमें क्या होता है ये आपको तीन ग्रीन कैंडल्स दिख रही है इसमें एक कंटिन्यूस पहले ही अपट्रेंड होता है एक

ठीक है आपने बहुत बार यह चीज नोटिस की होगी एंड दिस इज वॉट थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न इज पहले मैं आप लोगों को कैंडल स्टिकन के बारे में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता हूं, कि की बेसिस पर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे इस पे ट्रेडिंग नहीं करना है बट यूज दिस एज से आपको ऑलरेडी कुछ चीजें मिल गई है जिससे आपको एक रिवर्सल लगता है मानो एक डाउन ट्रेंड था जिसके बाद आपको एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला उसके बाद आप सोच रहे हो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है आपको एक दो कन्फर्मेशन मिल गई बट ऑलरेडी अगर इसके साथ

ठीक है ये बस आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अपट्रेंड आने के चांसेस है ठीक है आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपको पैटर्न दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न मानो आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख गया दिस इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से अप ट्रेंड आएगा ही आएगा बट देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ठीक है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि यहां से अपट्रेंड आ सकता है ठीक है दैट इज वट दिस कैंडल स्टिक पैटर्न मीन इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि चांसेस है तो चांसेस बनना स्टार्ट हो गया एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पैटर्न आई गेस ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैंडलस्टिक्स के बेसिस सिर्फ सिर्फ yes, दिख रही है, उसमें आप और कर, पर कितनी है वो पता कर सकते हो मतलब ऑलरेडी अगर आपके एटी परसेंट है अगर ट्रेड सक्सेसफुल होने के तो कैंडल पैटर्न अगर आपको दैट इज वॉट कैंडल स्टिक पैटर्स अबाउट एंड दट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न

रेड कैंडल आ गई इतनी बड़ी कोई रेड कैंडल आ गई एंड उसके बाद क्या होता है अब यहां से बहुत से लोगों ने सोचा इतना बड़ा फॉल है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा करके बट यहां पर कुछ और ही हो जाता है यहां पर होता है कि जैसे जितनी स्पीड में रेड कैंडल नीचे आई है उतनी ही स्पीड में एक ग्रीन कैंडल ऊपर चले जाती है बहुत बार एक बड़ी डाउनवर्ड कैंडल अगर आती है तो सेम स्पीड के साथ अपवर्ड कैंडल भी आती है या फिर अगर सेम अपवर्ड स्पीड के साथ एक बहुत बड़ी कैंडल आती है तो बहुत बार सेम स्पीड में डाउन कैंडल आती है अगली कैंडल तो इसमें बेसिकली क्या होगा एक ग्रीन कैंडल आई दूसरी ग्रीन कैंडल आई बट यू हैव टू टू मेक श्योर दिस हैव टू बी सिमिलर लुकिंग कैंडल सिमिलर लुकिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल है फिर एक डोजी ग्रीन कैंडल है फिर उसके बाद एक और मीडियम साइज ग्रीन कैंडल है ऐसा नहीं मतलब सेम टाइप ऑफ कैंडल्स ठीक है मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर ठीक है सेम और सिमिलर में फर्क होता है तो दिस थ्री वर्सेस दिस थ्री आप नोटिस करो बहुत बड़ा डिफरेंस है दिस थ्री ए और बी बी में आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है ए में क्या है एक बहुत बड़ी ग्रीन है एक छोटी ग्रीन, ग्रीन है ये नहीं आपको एक सिमिलर लुकिंग तीन कैंडल्स लगेंगी सिमिलर लुकिंग यहाँ पर तीन कैंडल्स आप देख सकते हो जिसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया जिसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वॉज अ ग्रेट फॉल बड़ा फॉल आया उसके बाद यहाँ पर अगर यहां पर फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होती है या फिर बहुत से लोगों ने सोचा होगा डाउन जाएगा डाउन जाएगा डाउन के लिए ट्रेड ले ली बट यहां से जो लेवल पे उसने यू नो फॉल लिया था जो लेवल पे उसका फॉल रुका था वही लेवल पे एग्जैक्टली exactly एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता है बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता है तो दिस इज वॉट अ थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न इज अब मैं आप लोगों को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दिस आर नॉट हंड्रेड परसेंट दिस आर नॉट हंड्रेड परसेंट बट ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये हो गया एक कंटिन्यूएशन ऑल राइट आई विल क्लियर दिस नाउ अब हम बेसिक्स पर चलते हैं अभी हमने थ्री लाइन स्ट्राइक कंप्लीट कर लिया यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं वॉट हैपन इन हैमर पैटर्न इज बेसिकली हैमर एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पहली चीज तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अगर सीखने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कैंडल स्टिक पैटर्न अलग अलग टाइप की होती है एक होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एक होता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न फिर एक होता है ट्रिपल और मोर इसका मतलब क्या हो गया एक सिंगल कैंडल से आपको पता चल रहा है या फिर दो कैंडल से पता चल रहा है या फिर तीन या चार कैंडल से पता चल रहा है ये होता है मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रिपल और मोर देन थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया सिंपल अब मैं आप लोगों को उसके आगे का समझाता हूँ हैमर पैटर्न के बारे में हैमर पैटर्न में क्या होगा एक डाउन ट्रेंड रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम कम होगा और एक हैमर क्रिएट होगा हो जाएगा हैमर मतलब बेसिकली हथोड़ा यार अब हैमर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ये ग्रीन भी हो सकता है या फिर ये रेड भी हो सकता है एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर आएगा हैमर जैसा बेसिकली एक हाथ में हथोड़ा टाइप आ जाएगा एंड व्हाट इज गोना हैपन इज हैमर पैटर्न में यहाँ से आपको एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी यहाँ से वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब जाने के चांसेस है ये सब्वियसली डाउन कंटिन्यू कर सकता है बट वो आपको एक प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है अगर आपके पास एक दो और कंफर्मेशन है तो यहाँ पर आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो ओके हैमर पैटर्न के बारे में किसी ने पूछा कि बॉडी लंबी होगी या फिर शेडो लंबी होगी उसके लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बॉडी और शेडो क्या होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मुझे बिगिनर्स को समझाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है वॉट आई वॉन्ट बिगिनर्स टू फाइंड आउट इज यहाँ पर आप पहले चीज तो इधर आ जाओ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीक है मानो एक रेड कैंडल है कुछ इस तरीके से ठीक है एंड लेट्स ऊपर ये एक दिख रहा है ठीक है तो इसे जो है ना ये जो दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड द बॉडी ठीक है एंड दिस ये जो पोर्शन दिख रहा है ना ये वाला ठीक है ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ए शेडो ठीक है बहुत से लोग इसे विक बोलते हैं मैं शेडो बोलना पसंद करता हूँ शेडो याद करना आसान है ये यहाँ पर ट्रेवल किया था बट रुक नहीं पाया वो मैं समझाता हूं एग्जैक्टली क्या होता है तो यहाँ पर बॉडी जो है दिस इज वॉट बॉडी इज एंड ये जो होता है दिस इज अ अडो सेम अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें ये अप में भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है तो यहाँ पर बॉडी कौन सी हुई बॉडी हुई ये बीच वाला पोर्शन एंड दिस आर दी दैडोज ये जो दो हो गए दिस आर शेडोज अभी हमने दो पैटर्न समझ लिए हमने दो कौन कौन से पैटर्न समझे फर्स्ट वन इज हमने जो पढ़ा है दैट इज थ्री लाइन स्ट्राइक सेकेंड हमने जो पढ़ा है दैट इज हैमो पैटर्न ठीक है थर्ड जो हम सीखने वाले हैं दैट इज बेरिश एंगलफिंग पैटर्न बेरिश एंगलफिंग पैटर्न का मतलब क्या होगा एक डाउन ट्रेंड रहेगा मानो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है उसके बाद मानो जो रेड कैंडल आई है ठीक है है लेट्स से एक रेड कैंडल आई ये इस तरीके से है कुछ एंड इसको पूरी तरह से एक कैंडल इंगल्फ मतलब पूरी तरह से कवर कर लेती है ठीक है तो एक डाउन ट्रेंड आया डाउन ट्रेंड आया डाउन ट्रेंड आया यहां पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड आया डाउन ट्रेंड आया फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई फिर से उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने इसे पूरी तरह से कवर अप कर लिया एंड इसके बाद मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लेने का एक प्रोबेबिलिटी दी तो एंगल्फिंग

टॉप एंड दिस इज़ द बॉटम दोनों को ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया यहां से ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न आपको दिखेगा अभी मैं समझाता हूँ ड्रैगन फ्लाई बेसिकली क्या होता है एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहेगा उसके बाद मानो एक कैंडल आएगी दिस इज ऑल्सो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा एक बहुत छोटा सा बॉडी रहेगा एंड एक बड़ी यू you नो know, हमारा जो हम जिसे विक कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं वो बड़ा शेडो रहेगा ठीक है तो एक एकदम छोटा सा आपको देखने मिल जाएगा ठीक है एकदम छोटी सी बॉडी रहेगी जो मैंने आप लोगों को बॉडी समझाई एंड एक बड़ी शेडो रहेगी ठीक है दिस इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई कैंडल ठीक है या फिर ड्रैगन फ्लाई हम इसे कह सकते हैं अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड था जिसके बाद हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलने पर एक चांस मिलता है कि यहां से एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन आ सकता है मतलब अपवर्ड रिवर्सल आ सकता है समझ गया ड्रैगन स्टिक जो होगी ड्रैगन फ्लाई होगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी ठीक है ऊपर छोटी सी बॉडी रहेगी स्मॉल बॉडी दिस इज विक स्लैश शॉर्ट शेडो एंड शेडो या फिर विक जो रहेगा दिस विल बी लॉन्ग लॉन्ग विक स्लैश शेडो स्मॉल बॉडी लॉन्ग विक स्लैश शेडो इट कैन बी ग्रीन इट कैन बी रेड बोथ वर्क ठीक है ये चीज अच्छा हुआ शिवांश ने सवाल पूछ लिया इट कैन बी ग्रीन इट कैन बी रेड ये ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है ओके ये कुछ हैमर की तरह ही दिखेगा बट हैमर में बेसिकली हमारी बॉडी जो है, हैमर में हैमर भी तो ताकतवर होना जरूरी है ना हैमर भी इतना बड़ा रहेगा और नीचे इस तरीके से हमारा कुछ शैडो रहेगा बट अगर हैमर को हम ड्रैगन फ्लाई या फिर ड्रैगन यू you नो know, ड्रैगन फ्लाई कैंडल से कंपेयर करें तो ड्रैगन फ्लाई कैंडल कुछ इस तरीके से रहेगी ठीक है ड्रैगन फ्लाई कैंडल कुछ इस तरीके से रहेगी समझ आया अब ये नोट कर लो इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है इसके सामने लिख लेना कंटिन्यूएशन ठीक है मेक श्योर कि इसके सामने कंटिन्यूएशन लिख लेना इस पर लिख लेना रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन दोनों में काम आता है बट अभी हम रिवर्सल के लिए सीखेंगे बेरी सिंगल फिंग के सामने भी रिवर्सल लिख लेना दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल पैटर्न वन टू थ्री ये तीनों रिवर्सल पैटर्न नीचे वाला कंटिन्यूएशन हुआ ठीक है तो अभी हम आएंगे यहां पर आईएच पर अब मुझे ये बताओ ये क्या है व्हाट इज आईएच दिस इज इनवर्टेड हैमर ये भी सेम रहेगा इसमें एक डाउन ट्रेंड रहेगा बट इसमें हैमर होने के बजाय कुछ इस तरीके से होने के बजाय इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस ठीक है वो कुछ इस तरीके से रहेगा इनवर्टेड हैमर में व्हाट इज गोना हैपन इज एक डाउन ट्रेंड आएगा इन्वर्टेड हैमर भी सेम ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है एंड उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड रिवर्सल आने का हमें वो इंडिकेशन देता है ठीक है सेम ये भी रिवर्सल के लिए है हम जो देख रहे हैं ये रिवर्सल के लिए देख रहे हैं अभी करंटली तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आएगा जिसके बाद हो सकता है कि एक ग्रीन या फिर रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल है बेसिकली ऐसा समझो हैमर उल्टा गिरा हुआ है अब इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस है अब आप लोगों को मैं इसमें बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर भी समझा देता हूँ बहुत से लोगों को अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको हैमर पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ वॉट इट मीन्स ठीक है हैमर पैटर्न का एग्जैक्टली exactly मतलब क्या होगा लेट्स एक हैमर पैटर्न है ये एक हैमर कैंडल है हैमर पैटर्न नहीं हैमर कैंडल की बात करते हैं हैमर कैंडल की अगर हम बात करें तो ये जो ओपन हुआ था ये ओपन हुआ था यहाँ पर दिस इज ओपन ओपन हुआ था यहाँ पर क्लोज कहाँ पर हुआ था यहाँ पर दिस इज़ क्लोज ये हो गया इसका लो अब एग्जाम्पल मानते हैं जो क्लोज था मानो क्लोज है ओपन है एंड लो है ओपन मानते सौ रुपए पर ओपन हुआ था ठीक है हंड्रेड रुपीज पर ओपन हुआ था क्लोज हुआ वन हंड्रेड एंड टेन पर एंड लो जो था लेट्स से वो था नाइनटी अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ हैमर पैटर्न का एग्जैक्टली exactly क्या होता है हैमर कैंडल में एग्जैक्टली exactly होता क्या है लेट्स से एक कैंडल ओपन हुई यहां पर वो कैंडल ओपन हुई अभी हमें पता नहीं है ग्रीन है या रेड है वो पहले क्या हुआ उसने पहले नीचे के डायरेक्शन में ट्रैवल किया ठीक है आप देख सकते हो वो नीचे आया पहले वो ओपन यहां पर हुआ ओपन होने के बाद वो नीचे गया मतलब सौ रुपए से उसकी प्राइस माइनस दस हुई और नब्बे पर आ गई मानो ये कैंडल जो है ये फाइव मिनट की कैंडल है ठीक है शुरुआत के तीन मिनट में शुरुआत के तीन मिनट में तीन रेड कैंडल्स आ गए एक दो एंड तीन तीन रेड कैंडल आ गई अगर हम एक एक मिनट के कैंडल की बात करें तो और उसके बाद वॉट इज़ पहले आप लोगों ने देखा कि वो 100 पर ओपन हुआ पांच मिनट की कैंडल है शुरुआत के तीन मिनट में 90 तक गिर गया 90 तक गिर गया 90 तक प्राइस ड्रॉप हो गया इसके बाद क्या हुआ दो मिनट के अंदर उसने वो प्राइस पूरा कवर किया एंड उसके बाद और बड़ा एक अपवर्ड मूव दिया अब नाउ टेल मी व्हाट इज द स्ट्रांग प्रेशर हियर ये एक-एक मिनट की कैंडल है ये एक ये दो ये तीन ये चार एंड ये पांच और ये एक सिंगल कैंडल 5 मिनट की है फाइव मिनट के कैंडल को हमने वन मिनट के कैंडल फ्रेम पर देखा अगर कैंडल स्टिक फ्रेम पर तो वो ऐसा दिखेगा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक है हैमर पैटर्न तो वॉट एक्सैक्टलीपन इज वो ओपन यहाँ पर हुआ प्राइस उसकी गिरी नाइनटी तक आई फिर उसने दो मिनट के अंदर या एक मिनट के अंदर या फिर लास्ट मोमेंट्स पे एक बड़ा अपवर्ड प्रेशर दिया जिसके बाद अपवर्ड प्रेशर जहां पर वो ओपन हुआ था वो तो हुआ ही हुआ और उसके भी ऊपर जाकर क्लोज हुआ इसलिए वो ग्रीन क्रिएट हुई यस और नो सिंपल है दिस इज हंड्रेड दिस इज वन टेन इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से स्टार्ट हो गया वो 90 गिरा बट उसके बाद भी इतना बड़ा मूव उसने इतने ता, कम टाइम के अंदर लिया मतलब बायर्स का प्रेशर बहुत हाई है अभी बायर्स जो है जोर में है समझ गया ऐसे ही हर एक पैटर्न में हर एक कैंडल स्टिक में वॉट हैपन इज ओपन एंड क्लोज के हिसाब से आपको बायर्स या सेलर्स का प्रेशर पता चलता है कि प्रेशर किस तरफ है ठीक है एंड वी विल मूव ऑन टू मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग डोजी स्टार हम दोनों ही पैटर्न अभी सीखेंगे दोनों ही पैटर्न बेसिकली है दो है दोनों करीब करीब सेम ही है ऐसा समझो इसमें एक डाउन ट्रेंड रहता है एक डाउन ट्रेंड रहता है ठीक है उसके बाद एक रेड कैंडल रहती है फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल रहेगी इट कुड बी रेड ठीक है ये एक रेड कैंडल भी हो सकती है लेट्स से कुछ इस तरीके से हो सकती है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो कि एक मॉर्निंग बताती है बेसिकली ठीक है मैं आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके बता दो एक रेड कैंडल आई उसके बाद एक और रेड या फिर ग्रीन कैंडल आएगी यहाँ पर उसके बाद वॉट हैपनड इज ये डाउन ट्रेंड था कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था ठीक है ये रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है तो मैं क्या करता हूँ रेड से ड्रॉ किया ग्रीन अंदर से कलर दे देता हूँ ठीक है तो ये रेड और ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है दिस इज बेसिकली एक मिडल वाली जो कैंडल होती है वो हो गया फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि कवर करती है पूरे लेंस को ठीक है पूरे लेंस को कवर करती है या फिर एक अच्छे मूवमेंट के साथ आती है ठीक है दिस इज वॉट मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंड रेड कैंडल ठीक है इसे रेड समझ लेना रेड कैंडल फिर एक कैंडल आएगी साथ में ठीक है लेट्स से समथिंग लाइक दिस एंड उसके बाद एक सुबह होगी ठीक है एक फॉल के बाद थोड़ा रुकावट आएगी और सुबह होगी दैट इज़ वॉट मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज मैं अच्छे से बता देता हूँ ठीक है दिस इज मॉर्निंग स्टार अब मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार में जो बीच वाली कैंडल रहेगी ना अभी मैं आपको बीच वाली कैंडल है बस ये चेंज हो जाएगी ये एक डोजी कैंडल बन जाएगी ठीक है इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग बस इसमें शेडोज बड़े हो जाएंगे ठीक है जो शेडो है वो बड़ी हो जाएगी और कैंडल कुछ इस तरह से डोजी कैंडल बन जाएगी डोजी मतलब इनडिसाइजिव कैंडल डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है इनडिसाइजिव कैंडल मतलब उसने बताया नहीं उससे हम बता नहीं सकते कि उसमें अपवर्ड प्रेशर है या फिर डाउनवर्ड प्रेशर है इनडिसाइजिव का मतलब है अनश्योर अनश्योर का मतलब है कि पता ना होना ठीक है तो डोजी कैंडल बेसिकली वही होती है कि यहाँ पर आपने कोई भी एक प्रेशर देखा उसके बाद उसने हल्का सा एक पॉज लिया है उसने ना अपवर्ड मूवमेंट दिया है ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है ठीक है ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है अपवर्ड भी नहीं दिया डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं दिया दैट इज वॉट अ इनडिसाइजिव कैंडल इज एक इनडिसाइजिव कैंडल बेसिकली एक छोटी सी कैंडल होती है जिसका कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पता नहीं होता है हमें कि विच वे इट इज गोइंग टू गो सो ये एक डोजी कैंडल आई पहले एक डाउन ट्रेंड आया फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई डोजी क्रिएट हुई उसके बाद ग्रीन कैंडल आई एंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया ये आपको ट्रेंड बता देता है रिवर्सल सेम ये एक रिवर्सल पैटर्न है ठीक है रिवर्सल पैटर्न अब इसमें ये भी सेम ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये ग्रीन होनी चाहिए ये हमेशा ग्रीन रहेगी थर्ड कैंडल जो रहेगी ये हमेशा ग्रीन रहेगी क्योंकि हमें ऑलरेडी अपट्रेंड देखना है तो ग्रीन ही रहेगी ना सो दैट इज अबाउट ऑल इन टर्म्स ऑफ मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग डोजी स्टार अभी तक के हमने हैमर बेरिशिंग गलफिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी इन इन्वर्टेड हैमर मॉर्निंग डोजी स्टार मॉर्निंग स्टार एंड थ्री लाइन स्ट्राइक ये छह सात पैटर्न हमने सीख लिया मैं एक बार आपका क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ लोगों को भी समझना चाहिए हमें भी समझना चाहिए ठीक है ऊपर आपने कहा रेजिस्टेंस है ठीक है ऊपर रेजिस्टेंस है एंड नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट है। ओके अब क्या हुआ चार्ट में क्या हो गया हाँ सर मान लो अभी कोई भी एक पैटर्न फॉर्म होता मान लीजिए हैमर फॉर्म होता बीच में ओके द ट्रेड में ठीक है तो वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी है ठीक है मार्जिन के में फॉर्म होता है हम्म हम्म मिडिल वन में ओके लेट्स से यहाँ पर एक हैमर फॉर्म होता है लेट्स से ग्रीन कलर का, का हैमर क्रिएट होता है ठीक है यस यस लेट्स से ग्रीन कलर का हैमर क्रिएट होता है हां ठीक है अब तो सर यहाँ से रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यू करने आप जाएगा रजिस्टर प्रोटेक्ट करने ओके okay. तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये आपको बस एक प्रोबेबिलिटी बढ़ाते बताते हैं ठीक है अब आपको पहली चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं है जो भी मार्केट है आपने जैसे कि कहा एक साइडवेज मार्केट चल रहा है ऊपर सपोर्ट है नीचे रेजिस्टेंस है

फिर यहां पर आ गया अब यहां पर अगर आपको हैमर दिखता है ठीक है यहां पर अगर आपको हैमर दिखता है तो आप कुछ इसका फायदा उठाओगे बीच बीच में है, हैमर्स तो आपको हर चार कैंडल के बीच में या हर पांच कैंडल के बीच में या हर दस कैंडल के बीच में दिखेगा हर दस कैंडल के बाद आपको एक हैमर से थोड़ी पता चल जाएगा कि अगली कैंडल क्या आएगी बट यहाँ पे सपोर्ट है ऑलरेडी वन टू एंड थ्री टचेज है ठीक है एक हैमर बन गया और साथ ही साथ आपने देखा सपोर्ट एक की लेवल है इसके बाद मार्केट ने एक दो और ग्रीन कैंडल दे दिए एंड यू गॉट अ कंफर्मेशन यहाँ से मार्केट अप जाएगा डाउन ट्रेंड था उसके बाद एक हैमर आया एक हैमर के आने के बाद एक ग्रीन कैंडल है एंड यू आर गुड टू गो यहाँ से आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो समझ आ गया ऑल राइट स्क्रीन शॉट ले लेना सारी चीजें याद रखना अभी और कल हम कुछ और पैटर्न सीखने वाले हैं और कल साथ ही साथ जो आप लोगों ने होमवर्क किया था वो होमवर्क मैं चेक करूंगा आप लोगों के सामने लाइव आकर और आपको होमवर्क रहेगा अब अब आपको होमवर्क आइडेंटिफाई करना है कौन से जहां पर आपको वन एक चीज ध्यान रखना कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो सॉरी फाइव सिक्स ये जो सिक्स है वन टू थ्री फोर

ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है एंड दैट इज अबाउट ऑल फॉर टू लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पूरा डा साइनिंग ऑफ आई लव यू गाइस सो डैम मच यू आर माई फैमिली पीस आउट